वेलकम गाइस बाइंडेड ट्यूब प्रयागराज में मैं आतिथ मित्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचटीएमएल 5 के बारे में पढ़ा था देखा था। चलिए आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि एचटीएमएल 5 में हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए एक फोल्डर एक फाइल बना लेता हूँ। ऑनलाइन ये रहा चलिए सबको डिलीट कर देता हूं और चीजों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो दिया है भाई डॉक टाइप एचटीएमएल, इसका मतलब है ये का डिक्लेरेशन है। जो अभी हम लोगों ने बात किया था किसका डिक्लेरेशन क्या होता है कि ये HTML 5 में लिखा गया डॉक्यूमेंट है। जो ये हम लिख रहे हैं ये किसमें लिखा गया है HTML 5 में, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। उसके बाद आपका HTML टैग हेड टैग, अब ये जो टैग है ये मेटा टैग है जो कि इनकोडिंग, जो जैसे इनकोडिंग करते हैं इसका कैरेक्टर सेट क्या है UTF-8 है। ठीक है ये इनकोडिंग है, कैरेक्टर कैसे इनकोड होता है उसका क्या है कैरेक्टर सेट है। अब यहां पे देखिए मेटा टैग और लगा हुआ है, ये लिंक के समय हमारे उसमें रहते हैं हेड में। ठीक है व्यू पोर्ट कंटेंट बिट्स डिवाइस HTML 5 आपकी वो फैसिलिटी देता है गाइस कि जिससे कि अगर आपका डिवाइस का बिट्स कम हो घटे तो उसके कंटेंट इधर उधर ना हो। पहले क्या होता था कि HTML 4 में या उसमें बनते थे तो जब हम मोबाइल पे वेबसाइट खोलते थे बड़ी दिक्कत होती थी, वो इधर उधर भाग जाते थे उसके कंटेंट, हमको बार बार उसको स्लाइड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। ठीक है तो ये जैसे ब्रिट्स डिवाइस है इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं कि मान लो हमने यहां पे H1 ले लिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेट इसको सेव करते हैं। चलिए इसको हम रन करा लेते हैं एक बार, आप देख लीजिए। ओपन विथ को हम कर देते हैं क्रो। अब यहां पे देखिए ये लिख लिया दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फला फला फला। अब हम इसके बिट्स को क्या करें कम करें। ठीक है देखिए ये बिट्स को हमने क्या कम कर दिया तो इसके कंटेंट जो थे ऑटोमेटिक मैनेज हो गए ना, सेकंड नीचे लाइन में आ गया। तो ये हमारा HTML 5 ये आपको फैसिलिटी देता है कि आपके कंटेंट ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर लेता है, ये इसमें बिट के हिसाब से कंटेंट को रख देता है। ठीक है इसकी बिट को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, आपने बड़ा किया आपका कंटेंट इस तरह से दिखा। पहले यही चीज नहीं होता था, अब ये चीज आपका होने लगा। ठीक है तो HTML 5 में लिखने से ये फीचर आपके और इम्प्रूव कर गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम HTML 5 में कोई पेज बनाते हैं।
तो पेज बनाने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हेडर, हेडर टैग यूज करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट, हर वेब पेज का पहला पार्ट क्या होता है, हेडर होता है। हेडर के अंदर लोगो रख सकते हैं, नाम दे सकते हैं, या आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, आप जैसा हेडर बनाना चाहते हो डिफरेंट टाइप के हेडर आपके बन जाते हैं। आपको हम किसी वेबसाइट में दिखा देते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा ऑन कर दें। देखिए गाइस, यहां पे देखिए ये हमारा हेडर बना हुआ है, देख रहे हैं, ये पार्ट हेडर का है, ये पार्ट आपका हेडर का है, नीचे ये जो स्लाइड हो रहा है इमेज, ये बैनर, ये भी किसका पार्ट है, हेडर का पार्ट है। तो हर वेबसाइट में जो पहला पेज होता है वो क्या होता है, हेडर होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट, उसमें क्या होता है, नेविगेशन। आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, नेविगेशन है। नेविगेशन मतलब क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना। अब जैसे हम होम पे क्लिक करें तो होम पे है, ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करें तो ऑनलाइन क्लास पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से जितनी बार जहां भी हम जाना चाहें वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग इसको वापस आते हैं और अपने पेज पे आते हैं। ठीक है, इस पेज पे तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, हेडर बनाया जाता है। चलिए हम हेडर का नाम कुछ भी रख देते हैं, हम यहां पे यही दे देते हैं। ठीक है, ये हेडर है, हेडर के अंदर हम इसको H1 में रख देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, आपका हेडर हो गया। हेडर के बाद जो अगली चीज इसमें आती है, जो हम बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है नेविगेशन बार का। अब नेविगेशन हम कैसे बनाते हैं भाई, नेविगेशन आप, हम यहां पे नाव टैग यूज कर लेंगे। इसके अंदर हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं। नेविगेशन हमेशा लिस्ट से बनता है, कैसे बनता है आगे हम CSS में आपको पढ़ाएंगे ही, प्लेन करेंगे ही। फिलहाल आप यहां पे देखिए, हम UL टैग लेते हैं, UL के अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं, LI यूज कर लेते हैं। होम, अब इसे लिंक बनाना है तो यहां पे हम एंकर टैग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हैश दे देते हैं ताकि ये कहीं ना जाए, इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो, और यहां पे एंकर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा,
अब ये आपका बन गया, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। पहले इसको हटाना पड़ेगा, इसको आपको फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट करने के लिए आप क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे हम ये टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टाइल टैग यूज किया। यहाँ पे हम आ जाते हैं, एलआई कर देते हैं, एलआई को स्टाइलिंग कर देते हैं हम फ्लोट लेफ्ट। नहीं लिखा था भाई। अब देखिए ये एक लाइन में आ गया। इस तरह से करते हैं, किसको इसको कहते हैं हटाते हैं, ये बाकी काम पीएसएस का है, लेकिन हमें आपको सिर्फ यहाँ पे नेविगेशन बार बताना था कि कैसे होता है। अब यहाँ पे कोई भी लिंक करो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, हम जूम कर देते हैं। अभी ये एक पे एक होंगे, यहाँ पे देखिए होम है, कोर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपकी लिंक बनी हुई है। देखिए ये होम है, ये आपका कोर्स है, ये ऑनलाइन है, ये आपका कॉन्टेक्ट है। अब इसको सेपरेट कैसे इसको अलग अलग करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ये सब हम सीएसएस में देखेंगे। फिलहाल हम आपको बता दिए कि ये नेविगेशन बार कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ यूएल के, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देखी। अब नेविगेशन के बाद जो आता है वो आता है आपका बॉडी। अब उसके नीचे हम जो भी कंटेंट डालते हैं, जैसे इस वेबसाइट में आप देखो, ये अब ये चीजें आपकी क्या है, कंटेंट है, वेबसाइट डिजाइनिंग ऐप डेवलपमेंट SEO, ठीक है। अब सब कोई ना कोई एक बॉक्स में या किसी न किसी एक उसमें होगा। इसके लिए ड्यू टैग इस्तेमाल किया जाता है, स्पैन टैग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या आपको लिखना है केवल तो आर्टिकल के अंदर आप दे सकते हैं, जैसे यहां पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं आर्टिकल, आर्टिकल टैग होता है, आर्टिकल टैग, आर्टिकल टैग के अंदर हम सेक्शन वाइज भी बांट सकते हैं, जैसे इसमें इतने सेक्शन थे, हम इस तरह से सेक्शन वाइज बांट सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा सेक्शन, अब सेक्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, यहां हम टी लॉरम कर देते हैं, एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम पी को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए आर्टिकल के अंदर ये हमारा पहला सेक्शन क्या है, बन चुका है, ठीक है। तो इस ढंग से आप आर्टिकल बना सकते हो। आर्टिकल के अंदर क्या होता है, सेक्शन होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको अगर आप ड्यू में डाल सकते हो, हमने आपसे कहा था कि ड्यू टैग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हम यहाँ पे ड्यू कर देते हैं, तो ये क्या बना देगा, एक डिवीजन बना देगा। अब इस आर्टिकल को हम क्या करते हैं, ड्यू में रख देते हैं इस सेक्शन को। अब ये सेक्शन एक ड्यू में आ जाएगा, सॉरी आर्टिकल के बाद लगाना था, हम सेक्शन को लगा दिए यहां पे। ऊपर जरा कोडिंग दिखा जाए,
ओह सॉरी, हम लोग एक काम गलत कर रहे हैं, आर्टिकल ले रहे हैं, आर्टिकल खुद ब खुद एक सेक्शन है, एक डिवीजन है जिसके अंदर हम लोग सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसको हम अलग बॉक्स में नहीं, यही चीज अगर हम क्या करें ड्यू के अंदर डाल दें, इसमें डाल दें ड्यू के अंदर। अब देखिए इसमें हम कर देते हैं इस पी लॉरम को उठा के यहां से एक्स करके इस ड्यू के अंदर, सेव नहीं हो रहा है ये, सेव फाइल यहां से करें, सॉरी ये रन हुआ है, अब ये करेंगे ये देखिए, ठीक है इसको हमने क्या डाल दिया ड्यू के अंदर डाला हुआ है, तब जाके ये चेंज हुआ, ठीक है तो इसको हमने कहां डाल दिया ड्यू के अंदर। तो आप ड्यू के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने वहां पे क्लिक किया था और बार बार हम उसको रन करा रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसको वापस आप कहां डाल दो भाई, इस पैराग्राफ को सेक्शन के अंदर, ठीक है आर्टिकल के अंदर सेक्शन बना। तो इस ढंग से हम लोग क्या बना सकते हैं, आर्टिकल के अंदर सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। सेम है, चले अब ये सेक्शन बन गया। अब सेक्शन के बाद सेक्शन वाइज बांट सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम डिवीजन पे ही काम करेंगे। सेक्शन आर्टिकल देना है तो आप ड्यू के अंदर भी दे सकते हो, कोई जरूरत कोई ये नहीं है कि आप ड्यू के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में अगला क्या होता है। अगला हम लोग इसमें देते हैं असाइड। असाइड देने के लिए हम वापस इस पे आते हैं अपने एडिटर पे, और यहाँ पे इस टैग को अभी हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया असाइड टैग, असाइड ले ली। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ भी, मान लो यहां पे हम पैरा ही यूज कर लेते हैं, क्लोज ही है, अब इसको वापस रन कराते हैं भाई। यहाँ पे हम बी आर टैग इस्तेमाल कर लेते हैं लाइन ब्रेक, ताकि वो नीचे आ जाए। अब ये असाइड में नहीं गया है, ठीक है ये नीचे लिखा गया है, लेकिन हम इसको असाइड बनाना चाहते हैं, या तो ये लेफ्ट में रहेगा या तो राइट में रहेगा, तो इसको आपको सीएसएस करना पड़ेगा। सीएसएस करने के लिए आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर में हम दे देते हैं इसकी विड्थ वो 30% हो,
चेक, चलिए फ्लोट, फ्लोट दे देते हैं इसका राइट, ठीक है फ्लोट दे दिया। चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं। अब देखिए ये आपके राइट साइड में चला गया, आपका ये पैराग्राफ कहां चला गया है, राइट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड यही है, ठीक है। इसकी एक विड्थ देके इसको हमने साइड कर दिया। तो कलर वगैरह भी दे सकते हो आप, फॉन्ट स्टाइल, इसको हम इटैलिक कर देते हैं भाई, कलर दे सकते हो भाई, ये देखिए इस तरह से आप असाइड कर सकते हो, लेफ्ट साइड में कुछ भी रख सकते हो, राइट साइड में कुछ भी। हालांकि ये फ्लोट और ये सारी प्रॉपर्टी ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिलहाल हमारा पर्पज यहां था आपको असाइड बना के दिखाना, ठीक है। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो, असाइड बना सकते हो, ठीक है। असाइड के बाद आता है आपका फुटर। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या देखा था, फुटर देखा था। अब हमारा फुटर हमेशा कहाँ होता है भाई, नीचे होता है। तो यहां पे हम फुटर टैग यूज कर लेते हैं, इसमें भी मैं दे देता हूं बाइंड्री टैग, इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको H1 में कर देते हैं भाई, ताकि ये कुछ बड़ा वड़ा दिखे। कंट्रोल यस करते हैं, अल्ट टैब, देखिए चूंकि ये लेफ्ट साइड की जगह खाली थी इसलिए उसने ये फुटर को ऊपर ला दिया है। इसको हम लोग सीएसएस में इसको नीचे करेंगे बॉक्स साइजिंग वगैरह लगा के, तो ये नीचे चला जाए, ठीक है। आप इसको अगर कमेंट कर दे इस असाइड को, ठीक है, चलो यहां पे देख लेते हैं शायद काम कर जाए। चलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, हमें दूसरी जगह इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग फुटर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। शेष चीजें जब हम सीएसएस की क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बॉक्स साइजिंग क्या है या फ्लोट क्या है ये सारी चीजें अभी आप नहीं जानते हो। फिलहाल आपको ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो हमने आपको समझा दिया कि कैसे साइड बार, कैसे नेविगेशन या कैसे आपको बनाना है। तो एक बार हम इसको अनकमेंट करके आपको केवल स्ट्रक्चर लिख के दिखाते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर में होता है। इसको हमने कमेंट कर दिया लास्ट तक,
ठीक है। तो आपको जो इस्तेमाल करना है इसमें जो जो चीजें हैं वो क्या है, हेडर है, हेडर आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा क्या बनाना है आपको, नेविगेशन नाव टैग इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर कंटेंट होगा, कुछ भी कंटेंट आप दे सकते हैं, कुछ भी आप नेविगेशन बार बना सकते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया, आर्टिकल बताया कि आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो वो आर्टिकल रखेंगे। आर्टिकल के अंदर सेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन आप कई सारे सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये सेक्शन एक नीचे आ जाते हैं, एक नहीं दो सेक्शन ले लीजिए, जितने सेक्शन आपको लेने हैं उतने सेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या बनाते हो, असाइड बनाते हो, ठीक है, असाइड हो गया। असाइड के बाद आप क्या बनाते हो, फुटर बनाते हो। फुटर इतनी चीजें आपको बनानी होती हैं और पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी पूरी वेब पेजेस इतने सेक्शन में ही बटी होती है। ओके गाइस, तो ये था आपका HTML5 जिसमें हमने बताया आपको स्ट्रक्चर कि कैसे आप स्ट्रक्चर को बनाते हो। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल अपने वेबसाइट में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ऑडियो टैग है, वीडियो टैग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूं। अब HTML5 में हमें क्या बनाना है, ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के लिए आपके पास कोई ऑडियो क्लिप होनी चाहिए। ऑडियो क्लिप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे MP3 ऑडियो डाउनलोड, सॉन्ग डाउनलोड करने जाएंगे तो बहुत चलिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, ऑडियो, ऑडियो टैग यूज करेंगे। ऑडियो टैग के अंदर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, ऑडियो में आप लोग कंट्रोल्स दोगे। कंट्रोल्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या दोगे, कंट्रोल्स दोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे सोर्स लिखोगे, ठीक है। सोर्स और टाइप, सोर्स आपको शायद कुछ खुला हुआ है, देखते हैं। कुछ नहीं है, मिल नहीं रहा है भाई। Thank you.
इसको हम लोग हटाते हैं भाई, और इस फाइल को मैं यहाँ से सो इन फोल्डर करके कट करके अपने वेब पेज में डाल देता हूँ। फोल्डर कहाँ है भाई हमारा? फोल्डर ऑनलाइन, इसमें डाल दो। ये आ गया, इसके नाम को हम कर लेंगे कॉपी। प्रॉपर्टी, ये नाम लिखा हुआ है, कंट्रोल सी, सोर्स में देते हैं ये डॉट क्या है MP3, यही फाइल का नाम है। टाइप में आप क्या दोगे? टाइप में आप दोगे MP3। ऑडियो ऑब्लिक OGG, सॉरी, ठीक है, एक्सटेंशन हमने इसका दे दिया MP3, सही है, टाइप दे दिया, ऑडियो को हमने किया क्लोज। अब इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, ये फाइल आ गई आपकी भाई, ये कंट्रोल्स बने हुए हैं, इसको चलाओगे तो ये आपका रन करने लगेगा, ठीक है। वॉल्यूम को आप बढ़ा घटा सकते हो, यहाँ फुल है, कम कर सकते हो, ये टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ से आप इसको प्ले स्पीड, प्लेबैक स्पीड, ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑडियो फाइल लगा सकते हो अपने वेब पेज। अगर आप कंट्रोल्स हटा दोगे, अब देखिए भाई क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, वो फाइल आपकी यहां पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि कंट्रोल सी नहीं है तो शो कहां से होगी, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, कंट्रोल, ठीक है। चलिए, यही काम आपको सेम किसमें करना है, वीडियो में, सेम टैग आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसके लिए आप क्या यूज करोगे, वीडियो। ठीक है, वीडियो टैग इस्तेमाल करेंगे, यहां पे हम क्या दे देंगे, कंट्रोल्स दे देंगे। चलिए कंट्रोल्स आ गया, नीचे आते हैं, फिर क्या देंगे, सोर्स देंगे टैग के अंदर, ठीक है। सोर्स के अंदर हम लोग फिर कोई वीडियो डाउनलोड करिए, वीडियो आप लगा दीजिए,
ये डाउनलोड हो जाए, वेट कर लेते हैं। सॉरी, ये क्रिएट एन अकाउंट कर रहा है। चलिए भाई, डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होता है, इसको हम लोग लगा के आपको दिखा देते हैं कि कैसे ऑडियो और वीडियो को हम लोग कंट्रोल करते हैं, लगाते हैं अपने वेब पेज में। चलो, डाउनलोड हो गया। इसको शो इन फोल्डर कर लेते हैं। यहां से इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद वापस अपने फोल्डर में डाल देते हैं। वीडियो डॉट MP4 है भाई, कहाँ गया हमारा सोर्स। इसमें हम डालेंगे VIDEO वीडियो डॉट MP4। हो गया। टाइप में हम लिखेंगे वीडियो ऑब्लिक MP4। ठीक, इसकी हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। हाइट दे दी हमने 150px और विड्थ दे देता हूं 250px। हाइट विड्थ भी हम देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, आपका वीडियो लग गया है। आपके पास कंट्रोल्स हैं, प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, साउंड देना चाहते हैं तो साउंड आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पूरा इमेज करना चाहते हैं तो पूरी इमेज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो विद कंट्रोल, आपके पास आपके वेब पेज में आ जाएगा आपका वीडियो। तो ये ऑडियो वीडियो टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, ये हो गया। अब हम लोग ऑडियो वीडियो टैग के बाद हम लोग देखते हैं कि HTML में हम कैसे फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। कुछ चीजें हमने उसमें देखी थी, चलिए उसको हम देख लेते हैं। फिर बाद में हम डियो और स्पैन में भी आते हैं। ठीक है, लेआउट कैसे बनते हैं उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, फॉर्म वैलिडेशन। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं फटाफट, दो हम बना लेते हैं। इनपुट, चलिए यहां पे हमने लिखा यूजर फॉर्म, टैग लेना है भाई। टैग ले लिया, इसके अंदर हम बनाते हैं यूजर आईडी। यहां पे दे देता हूं मैं इनपुट, टाइप में दे देता हूं टेक्स्ट। नेम अगर आपको कुछ देना है तो दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे मैं जो एट्रीब्यूट बता रहा हूं उसका नाम है रिक्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सॉरी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूं, और पेस्ट करने से पहले इसके नाम को हम चेंज कर ले भाई। यहां पे हम दे देते हैं पासवर्ड, हमने दे दिया पासवर्ड। यहां बी आर लगा लो, नहीं तो एक और लगा लो भाई, थोड़ा सा इसके नीचे आते हैं, बी आर लगा देते हैं। सॉरी फॉर्म क्लोज हो गया, बी आर इसके नीचे हम लिखते हैं इनपुट टाइप में सबमिट, नेम की जगह हम यूज कर लेते हैं वैल्यू, यहां पे दे देता हूं सबमिट। सेव करता हूं, वापस अल्ट टैब रन कराता हूं, ये आपके फॉर्म बन गए, यूजर आईडी है। अब देखिए यहां पे नीचे लिख के आ रहा है ना, प्लीज फिल आउट। अगर हम यहां पे क्लिक करें तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। पहले उस फील्ड को फिल कीजिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो यहां पे मान लो हम लिख देते हैं अपना नाम, यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी टाइप कर दिए, अब सबमिट करेंगे तो ये देखिए सबमिट हो गया। ठीक है, ये रिफ्रेश हुआ है। ठीक, लेकिन अगर आप वापस आते हो और इस टेक्स्ट को हटा देते, अब फिर से आप सबमिट करो, अब क्योंकि हमने लगाया हुआ है तो अब पहले ये तो भरा है लेकिन ये नहीं भरा हुआ है, पहले इसको आप भरो उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये था रिक्वायर्ड एलिमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जब हम किसी वैल्यू को किसी इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड मतलब जो नेसेसरी कर देते हैं कि नहीं इसको आपको फिल करना ही पड़े, तो आपको रिक्वायर्ड यूज करना होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अब हम लोग देखते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो पैटर्न एट्रीब्यूट हम लोग किसमें यूज कर लेते हैं, यहां पे मैं दे देता हूं इनपुट टाइप पासवर्ड। अब वो पासवर्ड की तरह लिखे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हो। अब यहां पे हम यूज कर लेंगे क्या, पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न देते कैसे हैं, पैटर्न देने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना, इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या दोगे, जैसे हमने दिया कैपिटल ए, मतलब पहला अक्षर क्या हो, कैपिटल ए हो। ठीक है, ए डैश दे दिए। अब हम क्या करते हैं, जेड ए लिख देते हैं कि लास्ट में कुछ भी हो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको भी कैपिटल कर देते हैं, जेड ए, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, या तो कैपिटल में दोगे आप, ठीक है, या तो स्मॉल। ये आपका पहला पैटर्न बन चुका है। ठीक, इसको हम सिंगल में कर देते हैं, इन्वर्टेड कामा भी लगा देते हैं इसमें, ये लग गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं नंबर यूज कर लेते हैं, तो नंबर के लिए हम कर्ल लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट। दूसरा पैटर्न हमारा क्या है, नंबर। ठीक, अब नंबर दे देते हैं हम कि एक से पांच तक कोई नंबर आपको देना होगा, क्या देना होगा, एक से पांच तक।
ये नंबर सिर्फ आप इतना ही दे सकते हो। हम इसको सेव करते हैं, Alt Tab, इस पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलिए इसको हम दे देते हैं, यहां पे कुछ भी डालो। ठीक, अब पासवर्ड में, अब देखिए हमने क्या किया है, स्मॉल लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने पैटर्न में दिया है, अब जैसे हम इसमें सबमिट करेंगे, प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट आपको मैच करना है। अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट भी अगर आपको शो कराना है तो क्या करेंगे आप, एक होता है टाइटल, क्या होता है टाइटल, टाइटल के अंदर अगर हम जो भी डालेंगे वो चीज क्या होगी, शो होगी। ठीक है, अब हम यहां पे डाल रहे हैं कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी अपर केस, पहला कैरेक्टर क्या हो आपका, अपर केस, एंड योर नंबर 01 to 5। अब हम इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं, यहां पे रन करते हैं। ठीक, अब इसमें हम कुछ लिखेंगे। ठीक, अब इसमें जैसे आएंगे तो अब मान लो हम स्मॉल में ही लिख देते हैं, अब इसको जब सबमिट करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट वर्क नहीं कर रहा है, कहां पे, चलिए यहां पे मैं कर देता हूं टाइटल में 5 लेटर पासवर्ड, शायद ये नंबर से कुछ कंफ्यूज हो रहा है, इसको बैक करते हैं, वापस रन कराते हैं, कुछ भी डाला। यहां पे हमने लिखा ASHISH। अब हम इसको सबमिट करेंगे, अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट को फिलअप किया हुआ है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने यूज किया हुआ है, अब हम इसको करेंगे तो ये देखिए 5 लेटर पासवर्ड आ गया। देख रहे हैं कि ये 5 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए, हमने 6 किया है। चलिए अब हम 5 कर देते हैं, अब देखिए अब ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइटल भी हमारा शो हो गया, टाइटल भी हम क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम स्मॉल में दे देते हैं, कुछ भी स्मॉल में टाइप कर दें, अब यहाँ पे देंगे तो फिर से बनने लगेगा। पहले आप पैटर्न को मैच कराओ, टाइप में हमने क्या दिया कि 5 लेटर कम से कम आप यूज करो, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो। अब यहाँ पे हमने 5 लेटर कर दिया, अब ये सबमिट हो जाए। ठीक है, तो इस ढंग से आप पैटर्न एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न क्या होते हैं, इसलिए CSS और जावा से भी आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जावा स्क्रिप्ट में भी पैटर्न यूज होता है, वहां से भी कर सकते हो। चलिए अब अगला जो एट्रीब्यूट है, अब एक बार आप देख लो, इसको हम सेव कर लेते हैं,
वापस यहाँ पे बैक आके इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए ये फोकस नहीं है, इस पे हमको क्लिक करने पे ये कर्सर देता है ना, लेकिन एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं ऑटो फोकस। जहां पे हम ऑटो फोकस लगा देंगे वो सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटो फोकस्ड हो जाएगा। तो यहां पे हम कर देते हैं ऑटो फोकस, ठीक है। तो पहले वाले में आपका कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आए, वो देखिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस हम लोग इस तरह से कर देते हैं कि जो पहला फील्ड हो सबसे पहले कौन सा फील्ड अप होना है वो चीज के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया ऑटो फोकस का। अब हमने आपको एक बताया था कि डेट फील्ड हम लोग कैसे भरते हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया था, चलिए यहां पे कर देते हैं हम एक यूज कर लेते हैं इनपुट टाइप, टाइप में दे देता हूं मैं डे, ठीक है। सिर्फ ये फील्ड मैंने बनाया है, यहां पे भी मैं br यूज कर लेता हूं, ठीक। br यूज कर लिया, सेव करते हैं और टाइप करते हैं। अब देखिए ये आ गया, ठीक है। अब इसे हम करेंगे तो ये कैलेंडर आपका आ गया, इस कैलेंडर से आप कोई भी डेट ईयर क्लिक कर सकते हैं। ईयर पे क्लिक करोगे ईयर वाले पे, ये नीचे है, इसको नीचे करना पड़ेगा, तो इसका जूम आप कम करोगे, पहले जूम कम कर दें हम 100 कर देते हैं जो इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब वहां पे हम आपको दिखाते हैं, ये आ गया। अब देखिए ये दिसंबर है, ये देखिए ईयर यहाँ पे है। अब इस ईयर को आप बढ़ाओ घटाओ जो भी करो, 2022 23, ठीक है। इधर है, ऊपर जाओगे तो देखिए 1980 85। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हम लोग ड्रॉप डाउन, इतना ड्रॉप डाउन तो कोई लिख नहीं सकता है, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ऑप्शन यूज नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेट यूज करना होगा। तो ये फीचर HTML5 में आया हुआ है, ओके गाइस। चलिए फिलहाल मैं इसको क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोगों ने देखा इनपुट टाइप डेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब है आपका इनपुट टाइप ईमेल, ठीक। इनपुट टाइप ईमेल कैसे यूज करते हैं भाई, उसको भी देख लो। हमने लिखा इनपुट टाइप में दिया ईमेल, यहां पे लिख देते हैं ईमेल आईडी, br लगा दो भाई, सेव करो अल्ट टैब, वापस ये बन गया इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल एड्रेस के लिए आप बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी टाइप करो आपका हो जाएगा। अब ये तो मस्ट कह रहा है कि आप पहले फील्ड को फिल करो, आप फिल कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, ईमेल बना सकते। अगला जो एट्रीब्यूट हमने आपको बताया था वो बताया था इनपुट टाइप नंबर, कि अगर हम उसमें कोई नंबर हम केवल इनपुट करना चाहते हैं तो उसको चलिए हम नंबर के लिए बता दे रहे हैं। हालांकि मैंने फॉर्म बनाते समय आपको बताया था, यहाँ पे एक बार फिर बता दे रहे हैं, इनपुट टाइप में हमने दिया NUMBER नंबर, ठीक है।
अब इसमें इस फील्ड में कोई भी केवल नंबर इनपुट हो सकता है, ठीक है। ये अब देखिए इसमें क्या, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, नहीं लिख रहा है, नंबर लिख रहे हैं तो नंबर लिखेगा, ठीक है। ई ले रहा है भाई एक्सपोनेंट नंबर, ठीक है, जो हम लोग मैथ में एक्सपोनेंट देखते हैं उसके लिए ई ले रहा है, बाकी नंबर कोई चीज नहीं लेगा, ठीक है, बाकी कोई कैरेक्टर नहीं लेगा सिवाय ई के, ठीक है। यहां से भी आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो, तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, नंबर के लिए होता है। चलिए इनपुट टाइप नंबर देख लिया आप लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे इनपुट टाइप रेंज। यहां पे अभी हम लगा देते हैं बीआर। चलिए भाई अब हमारा अगला है इनपुट टाइप में हम देंगे रेंज। अब इसमें क्या देना होता है भाई, मैक्सिमम और मिनिमम, तो हम यूज कर लेंगे मिन। मिन स्टार्ट करेंगे 5 से, मैक्सिमम करेंगे 25। चलो भाई सेव करो, अल्ट टाइप करो, ये हो गया, ये रेंज है। मिनिमम कितना है 5, मैक्सिमम कितना है 25, तो ये बन गया आपका रेंज। चले भाई नेक्स्ट आते हैं, रेंज हो गया। अब हमने आपको बताया था इनपुट टाइप टाइम, चलो बीआर लगा लो, बीआर यूज किया। अब हम यहां पे क्या देंगे, इनपुट टाइप टाइम सेव, अल्ट ये बन गई घड़ी भाई, ठीक है, देख रहे हो घंटा मिनट सेकंड सब दे सकते हो, ठीक है। क्लॉक भी आप एक का बना हुआ है, ये देखो एएम है कि पीएम है, जो भी आपको देना है, जैसे इस समय 7 है, 7:34 ही दे देता हूँ, पीएम कर देता हूँ, तो ये आपका टाइम ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनपुट टाइप टाइम भी दे सकते हो, ओके गाइस। तो ज्यादातर हो गया है, अब हम लोग एक देखेंगे ब्राउज करने वाली वो फाइल कैसे बनती है, तो यहां पे हम बीआर लगा देते हैं, लाइन को ब्रेक किया गाइस। यहां पे इसको हम कुछ को कमेंट कर देते हैं ताकि ऊपर आ जाए तो आप लोगों को दिखे, यहां से लेके टाइम तक कमेंट कर देता हूं, ठीक है। चलिए सेव करता हूं, सेव करने से पहले हम यहां पे इनपुट टाइप फाइल यूज करेंगे, टाइप में फाइल दिया, कंट्रोल यस, अल्ट टैब, इंटर, आ गया ना चूज फाइल। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे वो आपको लेके जाएगा फाइल में, यहां से कोई फाइल चूज करोगे, ओपन कर दोगे, ये देखिए एक्सेल नोट्स पीडीएफ, ये आपका फाइल सेलेक्ट होगी। इस ढंग से हम कोई भी फाइल शो कराते हैं, किसी कोई आपत्ति भाई नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इनपुट टाइप फाइल हो गया, अब क्या बचा हुआ है, इनपुट टाइप यूआरएल। इसमें कुछ नहीं है, आपको फॉर्म के एक्शन में यूआरएल देना होता है और यूआरएल एड्रेस आप टाइप करोगे, ठीक है।
तो इसमें कुछ नहीं है, इसको हम लोग CSS में जावास्क्रिप्ट में भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपका HTML5 फॉर्म में था, ठीक है। अब हमने आपको ऑडियो वीडियो के बारे में भी बता दिया, सारे टैग उसमें आप अलाइन कर सकते हो, लूप लगा सकते हो, ठीक है। हाइट विड्थ हमने वीडियो में लगाया ही था, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम दे सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर बैकग्राउंड में साउंड देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, बैकग्राउंड में साउंड देना चाहते हो, तो यहीं पे यूज कर लेता हूं बीजी साउंड। ये टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड में साउंड देने के लिए। SRC हालांकि ये यूज नहीं होता है, क्या मतलब है इसको, लेकिन ये जान लो कि अगर आपको साउंड देना है तो यहां से आप दे सकते हो बीजी साउंड। कौन से वेबसाइट के पेज में साउंड होता है, साउंड वाउंड कुछ नहीं होता है। अगर आपको वीडियो लगाना है वो चीजें सही है, लेकिन साउंड वगैरह कहां बैकग्राउंड में साउंड देखते हैं तो ये चीजें नहीं है, लेकिन ये यूज होता है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। जिसके पास अगर आपको लगाना है उसके को नो इम्बेड टैग में डाल दो, कोई इमेज लगा दो, उसके पीछे अगर आपको साउंड देना है तो आप साउंड दे सकते हो, ठीक है। चलिए ये भी बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नो इम्बेड, ठीक है, नो इम्बेड टैग लगाया, ठीक है। इस टैग के अंदर हम यूज करेंगे IMG टैग SRC। अब कोई इमेज दो भाई, इमेज इमेज वन, इमेज वन डॉट JPG, अब ये एक्सटेंशन देखना पड़ेगा, मे भी हो सकता है यही हो। ये टैग बंद हो गया, ठीक है। इसके नीचे हम लोग किसको बंद करते हैं, बीजी साउंड खुला हुआ है वो बंद हो गया। SRC में क्या था भाई, उसी साउंड का नाम, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसमें SRC में हम लोग पेस्ट कर देंगे .mp3, ठीक है। ये हो गया आपका, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, वापस चलते हैं। इमेज का शायद होने से है, क्या देख लेता हूँ, JPG है, JPG है,
नो इम्बेड को हटाओ जरा, इमेज दिखे। नो इम्बेड सेव करते हैं। भाई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है फिलहाल, लेकिन टैग यही होता है, इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ, किसी वेबसाइट में नहीं होता है, ये फालतू की चीजें हैं, ये आपके बुक में दी रहती हैं, तो इसलिए हमने कहा कि चलो भाई इसको हम आपको बता देते हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आई फ्रेम सेट। इसको हमने कहाँ इस्तेमाल कर लिया था भाई, ये फॉर्म में, फॉर्म टैग में इस्तेमाल करोगे कहीं के अंदर, कहीं हटाओ इसको, इस फॉर्म को करते हैं क्लोज, इसकी आवश्यकता अब हमको नहीं है। एक बार सेव करके ट्राई कर लो। चलिए इसका काम खत्म हुआ, अब हम लोग देखते हैं HTML लेआउट। ठीक है, हालांकि थियरी में उसको पढ़ाने का कोई मतलब होता नहीं, आप लेआउट कैसे बनाते हो, बहुत सारे आपके लेआउट होते हैं, तो उस लेआउट को आपको कैसे बनाना है, टेबल के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है, कि टेबल का इस्तेमाल करके, कभी डिव का इस्तेमाल करके, ठीक है, मतलब आपको सेक्शन में बांटना है, कैसे कैसे आप लेआउट बना सकते हो उसके विषय में बात करते हैं। तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं, आपके सिलेबस बुक में है कि लेआउट कैसे बनाया जाता है। जो अभी हमने देखा था हेडर, नेविगेशन या फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, जितने टैग हम लोगों ने देखे थे, वो सारी टैग समरी किसी ना किसी लेआउट में, किसी ना किसी सेक्शन में होते हैं। ठीक है, सेक्शन से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम ड्यू लग दिखाते हैं आपको, ड्यू और स्पैन में क्या फर्क होता है। चलिए एक हम ले लेते हैं ड्यू, हमने ड्यू लिया, ड्यू के अंदर हमने H1 में मान लो कुछ भी डाला, यहां पे हमने लिखा बाइनरी, ठीक है, ये ड्यू है। अब देखिए इस ड्यू को कॉपी करके हम पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब यहां पे रिजल्ट आते हैं, दो बाइनरी टैग आए लेकिन दोनों ऊपर नीचे है। ठीक है, ड्यू को मैंने कहा था कि ये पूरी विड्थ लेता है, क्या लेता है, पूरी विड्थ लेता है, जो स्क्रीन की विड्थ आती है, बगल में नहीं, थोड़ा सा यहां पे देख लो। हम एक टैग और इस्तेमाल कर लेते हैं स्पैन, ठीक है,
और इस H1 को कॉपी करते हैं, इसमें डाल देते हैं। सेम चीज हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी H1 लिया हुआ है, यहां पे हम पैराग्राफ कर देते हैं। H1 तो ऑलरेडी सेक्शन में बांट देता है, पैराग्राफ ले लेते हैं हम। H1 हेडिंग है इसलिए वो नीचे आ रहा है, यहां पे हम पैराग्राफ लेते हैं। जब हम विदाउट ड्यू पैराग्राफ इस्तेमाल करते थे, सॉरी पैराग्राफ इस्तेमाल करते थे, तो जब तक हम BR नहीं लगाते थे या वो नहीं लगा लाइन तोड़ते थे तो वो नीचे आ जाता, ठीक है, या कोई टैग आप इस्तेमाल मत करो, ठीक है। चलिए हम इसको सेव करते हैं, टैग ही हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, टैग ही हम हटा देते हैं। अगर इसको हम विदाउट ड्यू या स्पैन रन करें, एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझाते हैं कि ड्यू और स्पैन में फर्क क्या है। इसको भी हम अभी के लिए रिमूव करते हैं, बाद में वही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आपको समझ में आए तो ज्यादा बेहतर है। अब ये चीजें हमने लिखी, अब इसको हम सेव करते हैं, अल्ट टैब करते हैं, वापस रन कराते हैं। अब देखिए चारों बाइनरी टेक एक साथ लिखे हुए हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये चारों बाइनरी टेक एक साथ लिखे थे, इसको हम डालते हैं ड्यू में। किसको? इस बाइनरी टेक को हम डाल देते हैं ड्यू में। ड्यू क्लोज करते हैं, यहां पे भी हम क्या कर देते हैं, ड्यू लिख देते हैं, ठीक है। इसके पहले भी हम क्या करते हैं, ड्यू लिख देते हैं, इसके बाद हम ड्यू को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यहां बंद नहीं हुआ था, बंद करो, सेव करते हैं। अब देखो इंटर, दो बाइनरी टेक तो नीचे आ गए लेकिन दो बगल है, तो ड्यू एलिमेंट जो आपका है, ड्यू टैग जो है, क्या है ड्यू टैग, वो हमेशा पूरी विड्थ को लेता है, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं कि पूरी विड्थ लेने का मतलब क्या है। हम यहाँ पे स्टाइल यूज कर लेते हैं और यहां पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, यहां पे हम दे देते हैं रेड, इसको भी दे देते हैं भाई येलो दे, ठीक। अब देखो सेव करते हैं, ये इसका बैकग्राउंड रेड है, इसका बैकग्राउंड येलो है। अब देखिए इस ड्यू ने पूरी की पूरी विड्थ ली है ना, और इस ड्यू ने पूरी की पूरी विड्थ ली है, तो ये भले छोटा है, कंटेंट छोटा है या क्या है उससे मतलब नहीं। अगर आपने ड्यू के अंदर डाला
तो पूरे पेज की विड्थ को लेगा, इसीलिए मैंने कहा डू का इस्तेमाल किया जाता है डिवीजन बनाने के लिए। जब तक इसकी विड्थ को कम नहीं करोगे तब तक इसका विड्थ नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा डू आपने इस्तेमाल किया तो वो हमेशा इसके नीचे जाएगा, बगल में नहीं आए, ठीक। चलिए अब स्पैन की बात कर लेते हैं। स्पैन वो है कि ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितना एलिमेंट है, एलिमेंट बढ़ जाएगा तो स्पेस उसका बढ़ जाएगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे स्टाइल करके आपको दिखा देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं रेड, रेड दिया, इसमें भी हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं येलो, ठीक। इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए इतने सिर्फ उतना ही स्पेस लिया जितना ये कंटेंट था, ठीक। तो यही डिवीजन और ड्यू टैग और स्पैन में अंतर होता है। ड्यू टैग यूज होता है किसके लिए, डिवीजन क्रिएट करने के लिए, डिवीजन बनाने के लिए, और स्पैन भी डिवीजन, लेकिन ये कंटेंट के हिसाब से लेता है और ड्यू पूरी की पूरी विड्थ को लेता है। अगर आप कंटेंट को बढ़ा दो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब उसका अपने आप साइज बढ़ गया। अब आपको मेरी बात समझ में आई ड्यू और स्पैन क्या होते हैं। हालांकि HTML 4 में भी आपका ड्यू दिया गया था, लेकिन ड्यू को हमें यहां पे समझाना ज्यादा बेहतर लगा, इसलिए हमने आपको समझाया कि ड्यू और स्पैन क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है आपका ड्यू और स्पैन। अब हम लोग आते हैं लेआउट कैसे बनाते हैं। तो टेबल के थ्रू आप लेआउट बना सकते हो, ठीक है। टेबल के थ्रू आप कैसे लेआउट बनाते हो, बॉडी के अंदर आप टेबल इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हमने दे दिया टेबल। अब जिस ढंग का आपको लेआउट चाहिए उस ढंग का आप लेआउट बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, अब आपको बनाए। अब ऊपर जैसे एक रो देना चाहते हो ना, ऊपर हेडर के लिए साइड में दो दो कॉलम आप बांट सकते हो, फुटर के लिए फिर आपका एक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, हमने लिया TR, ठीक है। हमने क्या यूज कर लिया, TR यूज किया। अब TR में देखो, ठीक है, जितने कॉलम हैं आपके सबको सब स्पैन कर डालो। TR के अंदर हम क्या यूज करते हैं, TD यूज करते हैं ना, तो चलिए हमने लगाया TD। अब हम लेआउट बनाना चाहते हैं, सपोज दैट कि एक पूरी पट्टी आए, ठीक है, जैसे जैसे हम बना देख कर रहे हैं एक पूरी पट्टी आए, उसकी कोडिंग हम कर रहे हैं, हम मन में इमेजिन कर रहे हैं कि हमें ऐसा लेआउट बनाना है, एक पूरी पट्टी आए हेडर का, फिर वो दो भागों में बटा हो, फिर नीचे एक पूरी पट्टी आए, ठीक वैसा। तो चलिए हम TR के अंदर क्या यूज कर लेते हैं, TD यूज कर लेते हैं। चलो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये TD है, TD के अंदर हम क्या दे देंगे, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, दो कॉलम रख रहे हैं, ठीक है। अब पहला TD हमारा बन गया ना, बॉर्डर वगैरह आपको देना है तो दे सकते हो TR में, या हम टेबल में ही दे देते हैं, काहे के लिए TR TD में करें,
टीआर में मैं दे देता हूं बॉर्डर टू पीएक्स, ठीक है, दो पिक्सल का बॉर्डर मैं दे दे रहा हूं टेबल, ठीक। अब कॉल स्पैन कर दिया, ये मैंने दो रो, ठीक है। अब देखिए इस टीआर को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पहला जो हमें चाहिए था वो देख लीजिए कैसे आएगा, यहां पे हमने इसको किया, अब कुछ इस तरह का है। अभी देखो ये लेआउट बन रहा है, चलिए इसकी विड्थ को हम दे देते हैं, बढ़ा देते हैं इसकी विड्थ जो है, विड्थ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम कर देते हैं 95% ना। अब देखो इसको सेव कर देते हैं, अब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, ये देखिए एक आ गया, ये लेआउट बन रहा है आपका। चलिए अब हमने जो टीडी कॉल स्पैन दो दिया है, ठीक है, अब इसमें हम कुछ डालते हैं, मान लो हमने डाल दिया बाइनरी टैग, ठीक है। अब हमारे उसमें क्या लिखा है, बाइनरी टैग, चलो इसको H1 में कर देता हूं, सेव करता हूं, राइट टैब, वापस दिखाता हूं। अब देखिए ये कॉलम बन गया, पहला लेआउट हमने 95% किया है, बाइनरी टेक पहला कॉलम बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टीडी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका अलाइन वगैरह सेट करना है, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप, चलिए वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हमने फिर से एक टीआर दिया, क्या दिया, टीआर दिया, सॉरी क्लोज करते हैं, इंटर, नीचे आते हैं और टीआर को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं टीडी, टीडी इस्तेमाल किए, ठीक है। चलिए इस टीडी की विड्थ दे देता हूं, टोटल 95% दिया है ना, तो इसकी विड्थ कर देते हैं हम 65, ठीक है। एक टीडी और दे देता हूं, तो ये ऑटोमेटिक बचा हुआ भाग है। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं, अल्ट टाइप करते हैं, ये देखिए ये आ गया। अब इसमें कुछ डाल देते हैं, हाइट भी दे देता हूं, इसको दे देता हूं मैं 85%, इसकी भी हाइट कर देता हूं, सॉरी कुछ डाल दिया जाए यहां पे, चलिए इसको भी नीचे कर लेते हैं,
इसके नीचे कुछ डालते हैं, जो हम लिस्ट बना लेते हैं, यूएल टैग, एलआई, यहां पे हमने दे दिया आइटम वन, कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। गाइस, जो आपको लिखना है जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, और बड़ा चाहिए इसमें, और कंटेंट डालना है, जितना आपको कंटेंट डालना है उतने कंटेंट आप डाल लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसी लिस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पे एक और टीआर को ओपन करेंगे, टीआर, ठीक है, इसके अंदर हम टीडी देंगे, टीडी, कॉल स्पैन लगाएंगे, कॉल स्पैन दो, इसके अंदर हम डाल देंगे बाइनरी टेक इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद गाइस हम इसको हेडिंग भी दे देते हैं, मान लो हम इसको H2 दे देते हैं, ये क्लोज हुआ, ये भी क्लोज हो गया। अब देखिए इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए आप ये वेब पेज का ये लेआउट बन गया, ये हेडर हो गया, ये आपका आइटम लिस्ट हो गया। अब सबका आप बैकग्राउंड कलर दे दो, सबका आप वो दे दो, ठीक है। नेविगेशन अगर आपको बनाना है तो एक और टीआर लगा के उसका कॉल स्पैन दो कर दो, उसमें नेविगेशन आप बना लो। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल हम कोई भी लेआउट बना सकते हैं, बस कलर आपको देना होगा। चलिए हम प्रॉपर्टी में सिर्फ बीजी कलर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। टीआर में यहां पे हमने बीजी कलर दे दिया ग्रे, तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। इस टीआर में हमने दे दिया बीजी कलर लाइट ग्रीन, देखो, ठीक है। लास्ट वाले को दे देता हूं मैं बीजी कलर, यहां पे दे देता हूं येलो, तो ये लेआउट मैंने विद द हेल्प ऑफ टेबल बनाया हुआ है। ये देखो ग्रे कलर का है, ठीक है, ये येलो कलर का है, ऊपर बीच में ग्रीन कलर। तो इस ढंग से आप एक लेआउट बना सकते हो, ठीक है। दूसरा लेआउट आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्यू, ठीक है, ड्यू टैग की मदद से भी आप बना सकते हो। आपको उतने ड्यू लेने होंगे और ड्यू को आपको फ्लोट कराना होगा, ठीक है। तो ड्यू बेस्ड लेआउट कैसे आप बनाते हो उसको आप देख लो, लेकिन ड्यू में आपको CSS लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। विदाउट CSS आप यूज नहीं करोगे, हालांकि CSS में भी लेआउट है, वहां चल के मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहां पे वीडियो एक तो बड़ी हो रही है, दूसरी अगर हम इसमें ड्यू लेआउट अगर आपको बताना शुरू किए तो हमें ड्यू के अंदर स्टाइलिंग करनी पड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी आपको मैंने ड्यू का प्रैक्टिकल दिखाया। ड्यू पूरी विड्थ को लेता है, और अगर हमको इस लेआउट में बनाना है, सपोज दैट एक ड्यू लिया तो ये पूरी विड्थ लेगा, ये दूसरा ड्यू लिया
अब ये कम स्पेस ले रहा है तो इसकी स्टाइलिंग हमको करनी पड़ेगी। ये ड्यू ज्यादा स्पेस ले रहा है, ऊपर चलवा, ये पूरा का पूरा ड्यू है। अगर आप इस ढंग से लेआउट बनाना चाहते हो तो आगे चल के CSS में ये चीजें हैं और हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, यहां से आपका HTML खत्म होता है। ठीक है, HTML में हाँ एक चीज और रह गई, वो थी आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग क्या करता है, जैसे डिवीजन आपने वीडियो वगैरह लगाया है उसको आई फ्रेम टैग में यूज कर सकते हो। जो फ्रेमिंग थी, जो फ्रेम से टैग हमने आपको बताया था, वो फ्रेम से टैग अब बंद हो चुका है, उसकी जगह आई फ्रेम यूज हो रहा है। उसकी विड्थ आप दे सकते हो और उसके अंदर आप चाहे ऑडियो डालो चाहे वीडियो डालो, जो भी डालोगे सेम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई फ्रेम टैग आप इस्तेमाल कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ फ्रेम से। ठीक है, आई फ्रेम डालो, विड्थ डालो तो एक फ्रेम आपका बन जाएगा। उसमें अगर आपको डालना है, चलिए हम एक ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। फिलहाल मैं इसको कमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर चलूँ। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद आपका HTML खत्म हो गया है, CSS हम आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने आई फ्रेम लगाया। ठीक है, SRC, अब SRC में आपको वो सोर्स देना होगा जो चीज आप ऐड करना चाहते हो। तो चलिए SRC में मैं URL दे देता हूं किसी का, कोई PDF की फाइल ले लेता हूं या वेबसाइट ले लेती, ये PDF है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके प्रॉपर्टी में जाता हूं मैं, यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अपने इस पे आता हूं और यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं .pdf, PDF है ठीक। इसके बाद मैं इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे विड्थ मैंने दे दिया 250 px का। हाइट सेट कर सकता हूँ, हाइट मैंने दे दिया 350 px का। ओके गाइस, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस पे चलते हैं, ये देखिए ये आई फ्रेम बन गया आपका, ये फ्रेमिंग जो आपके उसमें काम, ये आप वीडियो में भी इस्तेमाल कर सकते हो जहां आपको इस्तेमाल करना हो। ये देखिए ये सारी की सारी PDF आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो। सेम चीज आप वीडियो भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम चीज आप ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी सोर्स आप दोगे आई फ्रेम में वो सोर्स आपका चलेगा। ओके गाइस, तो अपने वेब पेज में हम PDF कैसे लगाते हैं वो भी चीज हमने आपको बता दी। ठीक है, आप डिजाइन और डेवलपमेंट सब कर सकते हो गाइस। इसके सिवा आपके HTML में कुछ नहीं है, आपके HTML में जो भी था उससे अधिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चीजों को आप समझिएगा, वीडियो को देखिए एक बार नहीं बार बार देखिए, अगर जहां पे नहीं समझ में आ रहा है चीजें आपको एक्सप्लेन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चीजें और भी आसान होंगी जब हम CSS शुरू करेंगे, तो CSS की क्लास टोटली डिपेंड ऑन HTML। अब हमें वहां पे टैग नहीं बताना है, हमें अब सिलेक्टर एलिमेंट और वो देख के केवल स्टाइलिंग करनी है, आपको स्टाइलिंग सिखानी है कौन कौन सी स्टाइलिंग होती है। अब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब आपकी वीडियो या आपके कोर्स बहुत तेजी से भागेगा। ये बेस था जिसको आपको तैयार करना है, और बेस जब तक तैयार नहीं होगा आगे चीजें नहीं समझ में आएंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के।
थैंक यू।